पूर्णिया के कोऑपरेटिव भवन में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा मोबाइल एटीएम बैंक रथ को किया गया रवाना। अब नाबार्ड के सहयोग से मोबाइल एटीएम गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी, जो जाकर न सिर्फ आपको पैसा पहुंचाएगी बल्कि ग्रामीण इलाकों को वित्तीय जानकारी भी देगी। पूर्णिया के कोऑपरेटिव भवन में मंगलवार को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने 4 मोबाइल एटीएम रथ को रवाना किया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा कि यह मोबाइल एटीएम गांव में जाकर लोगों को पैसा पहुंचाएगी। इससे जहां किसानों और वैसे ग्रामीण इलाके के लोग जहां किसी बैंक की एटीएम की सुविधा नहीं है, वे लोग अपने घर पर एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों को विजुअल के माध्यम से वित्तीय जानकारी भी दी जा रही है ताकि साइबर क्राइम से बच सके। पहले आज पूर्णिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने सदस्य हैं, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने 4 मोबाइल वैन का उद्घाटन करवाया। नाबार्ड द्वारा मोबाइल वैन बैंक को दिया गया है ताकि इसका उद्देश्य जो है वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता को किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ इन मोबाइल वैन्स में एटीएम भी लगे हुए हैं और एटीएम के माध्यम से यह संभव हो पाएगा कि गांव में भी जो कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, वह यदि पैसा निकासी करना चाहता है बैंक के खाते से तो उसे ब्रांच आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं पर गांव में ही खाते से निकासी कर सकता है। तो एक तरह से हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं अपने किसान भाइयों को और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं को, पुरुषों को, सबको यह एक तरह से एक सुविधा दी जा रही है और वित्तीय साक्षरता को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके इसका जो है एक प्रयास है। कितने एटीएम आज यहाँ से नाबार्ड द्वारा 5 मोबाइल वैन जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया है, उसमें से 4 का आज उद्घाटन किया गया है। एक पहले हो चुका है। ये पूरे जिले के लिए जी, तो ये पूरे जिले में जहाँ जहाँ भी इनकी शाखाएँ हैं, जहाँ भी इनका व्यवसाय है, जो इनका कार्य क्षेत्र है, 3 जिले में इनका कार्य क्षेत्र है।